आईपीएल को लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है, साथ ही अपने होम टाउन में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया। इस कैंप में बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराने के लिए नेट बॉलर्स को बुलाया जाता है। भारत समेत बाकी इंटरनेशनल टीमें भी अपनी तैयारी के लिए नेट बॉलर्स को बुलाती हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को कितनी फीस मिलती है तो ये नीलामी और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तय होता है, साथ ही फैंस के सामने सब जाहिर भी कर दिया जाता है। मगर नेट बॉलर्स को कितनी फीस मिलती है ये अब तक शायद ही किसी को पता होगा। यदि आपसे कहे कि नेट बॉलर्स को कुछ नहीं मिलता, वे फ्री में अपनी सर्विस देते हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। आप यही कहेंगे कि खिलाड़ियों और स्टाफ पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली फ्रेंचाइजी आखिर नेट बॉलर्स को फ्री में क्यों रखती है। हाँ, ये बात सही है, कोरोना से पहले तक नेट बॉलर्स को फ्री में ही रखा जाता था, चाहे वह टीम इंडिया की बात हो या फिर आईपीएल टीमों की। मगर कोरोना के दौरान प्रोटोकॉल्स के चलते नेट बॉलर्स को पूरे सीजन बायो बबल में रखना पड़ता था, उन्हें साथ लाना ले जाना करना पड़ता था। यही वजह था कि कोरोना के समय नेट बॉलर्स को भी एक सीजन के लिए करीब 5 लाख रुपए दिए जाते थे, साथ ही रहने और खाने का खर्चा भी वहन करते थे। मगर कोरोना के बाद एक बार फिर नेट बॉलर्स को फ्री में रखने की परंपरा शुरू हो गई। टीम जिस भी शहर में मैच खेलने जाती है वहीं पर लोकल नेट बॉलर्स का इंतजाम कर लिया जाता। ऐसे में अब नेट बॉलर्स को साथ रखने और उनके खाने पीने और होटल का खर्च वहन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्रिकेट जगत से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।